हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों को जय श्री राम। देखिए, आज हम ऐसे शख्स की बात करेंगे जो भारतीय टीम का दरवाजा जो है ऑलमोस्ट खटखटा रहा है और कभी भी एंट्री हो सकती है। वो आने वाले समय में हम डेफिनेटली उनको देखेंगे टीम में। और बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत ही शानदार प्लेयर है। हम बात कर रहे हैं रजत पाटीदार की। देखिए, लास्ट ईयर 2022 में ही आपने देखा जिस तरह से रजत पाटीदार आईपीएल में आरसीबी तरह से खेले और वहां पर उनका चयन भी नहीं हो पाया था। वो मतलब कि शायद अनफोल्ड गए थे, बाद में किसी के और के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, 33 वर्षीय खिलाड़ी जो कहर बरसाया वो कमाल का था। आपको पता है जैसे मतलब कि जो उन्होंने खेला है और खासकर उनके जो आंकड़े मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो देख के चौंक जाएंगे आप लोग। एकदम सेंसेशनल मचा रखा है इस समय और कभी भी हमने अभी कहा ना, कभी भी दरवाजा तोड़ के एंट्री कर सकते हैं रजत पाटीदार। और खासकर उनका जो आईपीएल गया वो कमाल का लाजवाब। उसके बाद देखिए रणजी हो गई या तो न्यूजीलैंड के एक के खिलाफ जो मुकाबले खेले वो शानदार रहा है। तो उनके आंकड़े कुछ शेयर करते हैं आप लोग से। देखिए रजत पाटीदार ने जो 2022 में किया है वो देखिए रणजी में आपको बताएं, इसी साल 2022 की बात कर रहा हूँ मैं आप लोग, 658 बनाया है उनका एवरेज रहा है 82.55 का, ये समथिंग एवरेज उनका है। और उसके बाद देखिए आईपीएल की बात करते हैं 2022 में तो 333 रन बनाया है जिसमें उनका एवरेज है 55.5 का और उनका स्ट्राइक रेट 152.7 का जो स्ट्राइक रेट है। वही उनकी बात करते हैं जब न्यूजीलैंड एक के खिलाफ, इंडिया एक खिलाफ जब मतलब यहाँ आई हुई तो इंडिया एक खिलाफ उन्होंने खेला, देखिए 364 रन बनाया है जिसमें 121 पॉइंट समथिंग उनका एवरेज है। 364 रन और उनका एवरेज 121.33 का एवरेज उनका है। वही हम देखिए उनकी जो इनिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, 176, 4, 30, 109, 45, 41 गेंदों पे इस तरह उनकी इनिंग्स आई है। तो सेंसेशनल मचा रखा है पूरी तरह से और कभी भी हमने कहा कभी भी एंट्री हो सकती है भारतीय टीम में। और आने वाले समय में बहुत जल्द हम रजत पाटीदार को देखेंगे भारतीय टीम में, इंडियन टीम की जर्सी में। क्योंकि देखिए आईपीएल में जिस तरह उनकी एंट्री हुई थी और मतलब एक सोर्स के हिसाब से पता चला था सोल्ड गए थे और किसी रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, उनको मौका मिला प्लेइंग लेवल में, वहां जो उन्होंने शतक लगाया था कमाल का पारी थी, उसकी वजह से आरसीबी मुकाबला जीता। क्योंकि एक समय ऐसा आरसीबी पीछे चल रही, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इनिंग खेली वो 100 की, उससे तहलका मचा। उसके बाद उन्होंने 50 मारा, उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद जब भी उनको समय मिला और हमेशा परफॉर्म कर, चाहे रणजी मैच हो गए, चाहे इंडिया ए के जो न्यूजीलैंड ए के खिलाफ मैचेस चले टेस्ट हो गए, चाहे ओडीआई मैचेस हो गए, तो वहां कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो बहुत ही जल्दी और हमें देखेंगे भारतीय टीम में। और हम लोग हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि बहुत जल्दी रजत पाटीदार हमारी भारतीय टीम में दिखेंगे, क्योंकि बहुत टैलेंटेड, बहुत ही बेबाक खिलाड़ी है। और मतलब कि वो विराट कोहली को इंस्पायर भी करते हैं, वो विराट कोहली से इंस्पायर भी होते हैं और विराट कोहली को अपना आइडियल भी मानते हैं। तो मतलब कि बहुत कमाल का प्लेयर है और बहुत जल्दी हमें इंडियन भारतीय टीम में, इंडियन टीम में दिखेगा। इसी उम्मीद से मिलते हैं इस वीडियो में। सब ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।